ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है पख दियां खबरां दे विच। और इस सैगमेंट दे विच गल करदे आं भारतीय जनता पार्टी एनडीए दी केंद्र सरकार दे वल्लों 2019 दे लई इस मानसून इजलास दे दौरान किवें धड़ाधड़ उन्हां बिलां नूं मंजूरी दवाई जा रही है जिहड़े बिलां दा फायदा उन्हां नूं 19 दीआं चोणां दे विच हो सकदा है। और इसे दे विचों जिहड़े आ जिक्र कर लैने आपां, खास तौर ते एक SC ST एट्रोसिटी एक्ट ते दूसरा दलित ते पछड़ा वर्ग दे नाल संबंधित जिहड़ा आ OBC वर्ग दे नाल संबंधित जिहड़ा आ बिल वो पास कराया गया। उन्हां दे राखवें करन दे लई वी जिहड़ा आ वो एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का नाम रखा गया राष्ट्रीय पछड़ा वर्ग आयोग और इनू संविधानिक अहुदा भी दे दिता गया। पहला ये आयोग बनिया करता सीगा, इस आयोग दे वल्लों सिर्फ सलाहां दित्तियां जांदियां सी, इह सरकार दी मर्जी हुंदी सी उन्हां सलाहां नूं मनणा या ना मनणा, उन्हां सलाहां दे उत्ते कोई कदम चुकणा या ना चुकणा। पर हुण जदों इहनूं संविधानक अहुदा मिल गया है, मान सत्कार मिल गया, तो हुण इह नीतियां वी घड़ सकेगा पछड़े वर्ग दे हक दे विच। सो इह कार्ड जिहड़ा खेडिया गया दलित कार्ड, इहनूं कहा जा रहा है कि इस वेले कांग्रेस भी कह रही है कि जदों SC ST एट्रोसिटी एक्ट की डल्यूशन हुई सी सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश तो बाद 20 मार्च में, तो लंबा समा जी केंद्र सरकार ने एफिडेविट तक नहीं दिता सी सुप्रीम कोर्ट के विच, तो उस तो बाद हुण 19 के नेड़े जाके जी सब कुछ किया जा रहा। तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान ते दो सूबे होर जिथे चोणां होण जा रहियां ने इसे साल के नवंबर महीने के उन्हां नूं प्रभावित करन लई और अगले साल 2019 दे विच लोक सभा दीआं चोणां नूं प्रभावित करन लई इह सारा कुछ कीता जा रहा। देसराज काली जी इसे नुक्ते दे नाल एक कुमारी मायावती दा भी बयान आया है, उन्हां दा सीधे तौर ते इह कहणा कहिंदे ठीक है बना दित्ता पछड़ा आयोग तुसीं बनाता, पर इस राखवेंकरण दे विच जिहड़े गरीब घट गिणती ने मुसलमान, खास तौर ते उन्हां ने कहा कि मुसलमान जिहड़े ने गरीब ने उन्हां नूं भी इस मद दे विच शामिल रख्या जावे। सीधे तौर पर देखा जावे तो UP दे विच एक मुस्लिम कार्ड मायावती होरां ने भी खेडता आ, जे इन्हां ने दलित कार्ड खेडिया तां या दोवें ही गल्लां ने कि इन्हां ने पहला दलित कार्ड और पछड़ा वर्ग जी। देखो इस बार ना जिहड़ी कंसंट्रेशन होएगी 2019 दीआं चोणां जां उस तो पहलां जिहड़ी तुसीं विधानसभा दीआं चोणां दी गल कीती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ दीआं, मिजोरम भी नाल है, तो वो उन्हां चोणां दे विच भी, पर ज़्यादा टारगेट जिहड़ा है 2019 दीआं चोणां ने, क्योंकि SC ST एक्ट की डल्यूशन दे नाल लोगां दे विच जिहड़ी एक रोह है, BJP दी सरकार बनदी है और लोग जिहड़े ने वो टारगेट किए जाते हैं, लोगों नू हिंदू कार्ड के नाँ के उत्ते अलग अलग तरीकों के नाल हिंसा के शिकार होना पै जाता। एक्सपैरीमेंट्स होंगे ने संघ वालों और उन्हां एक्सपैरीमेंट्स के दलित और पछड़े और माइनोरिटीज़ जिहड़े आ वो टारगेट किए जाते हैं, उन्होंने खौफजदा किया जाता है। सो एक इनटॉलरेंस की स्थिति इन्नी तीव्र हो जाती है कि पूरे देश का चिंतक, लेखक, बुद्धिजीवी वर्ग जिहड़ा है वो एकदम संसे च आ जाता है, एकदम वो चिंतन शुरू कर दिंदा है, मंथन शुरू कर दिंदा है, एक डिबेट, एक डिस्कोर्स तुहानू सोसाइटी दे विच जसवीर नज़र आना शुरू हो जाता है। उस डिस्कोर्स, उस चिंतन दे विच आम आदमी जिहड़ा कॉमन मैन है, जिहड़ा देश दा नागरिक है जी, उहदी शमूलियत हो जाती है SC ST एक्ट की डल्यूशन दे नाल। सो एक ऐसा गठजोड़ बनता है, एक ऐसा बजमा प्रभाव पाउण वाला एक जिहड़ा है एक यूनिट बन जाता है, जिहनूं देख के जिहदी एक रिफलैक्शन जिहड़ी है वो 2 अप्रैल नूं, ऐसे ही 2 अप्रैल नूं भारत बंद का सद्दा दिता जाता है SC ST वालों और वो इन्ना कामयाब बंद हुंदा आ कि उस संगठनात्मक जिहड़ा एका है उहदी मजबूती नाल सरकार हिल जाती है।
और तुसी देखोगे कि उस तो बाद फिर हौली हौली बीजेपी दे विच आवाज़ां आउणियां शुरू हो जांदियां कि असी इस सैशन दे विच बिल लियावांगे उह बिल पास करावांगे। संसद बोलण लग पैंदे जिस दरी संसद बोलण लग पैंदे आ उह दैट्स वाई कि इस बिल नूं लियाउण तों पहलां पास करन तों पहलां एक वाइस प्रेजिडेंट बनाए जाते हैं दुष्यंत गौतम जी। वो दलित दे तौर पर वाइस प्रेजिडेंट बनाए जाते हैं पार्टी दे विच वाइस प्रेजिडेंट दे अहुदे ते एक दलित नूं लै के आना और उस तो बाद एससी एसटी एक्ट का बिल दोबारा लैके आना सेम पोजिशन च उन्होंने लिया के बिल पास करवाना और सैकेंड नुकता जिहड़ा पछड़े वर्ग वाला है उस कमीशन नूं कॉन्स्टिट्यूशनल बनाना संविधानिक कमीशन बनाना क्योंकि पहला वह ना होया नाल दा कमीशन सी सलाह भेजते ही मन्ने ना मन्ने उन्हां दे हाथ कुछ ना सी। जिस वेले किसी कमीशन नूं कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिता जांदा है सरकार वालों तो उस कमीशन दे कोल सिविल कोर्ट दियां पावरां आ जांदियां ने फिर वह अपनियां नीतियां घड़ सकदे ने नीतियां बना सकदे ने और पछड़े वर्ग दे उत्थान वास्ते कोई ठोस जतन जिहड़े आ कर सकते हैं खुद कर सकते हैं और समनिंग की पावर आ जाती है। सो तुसी उन्हां दी जो जो एटरासिटीज ने उन्होंने जिहड़े धक्के हुंदे ने उन्होंने जिहड़े हक ने वो लैके देने दे विच वो कमीशन जिहड़ा ना वो काफ़ी योगदान पा सकता काफ़ी जिवें एससी कमीशन है सेंटर का भी है स्टेटां दे भी ने सो भावें एटरासिटीज नहीं घटदियां इस चीज़ के उत्ते क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर इहो जिहा है जां सरकारां दी नीयत नहीं है जां उन्हां कमिश्नरां दे विच भी इन्हां सरकारां दे ही बंदे हुंदे ने जिहड़े वो फिर इन्हां प्रति लॉयल रहिंदे ने पर इहदे बावजूद भी जे किते कोई चज दा कोई चंगा कोई लोगां दा लोगों नूं दिलों चाहण वाला किसी लोगों की अपने लोगों की भलाई चाहण वाला व्यक्ति उत्थे आ जावे तां कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन उन्हूं इन्निया क इन्ने क अधिकार दे दिंदा आ कि वह सचमुच किसी का भला कर सकता और यस यस और ये दोनों ही कार्ड 2019 के मद्देनज़र खेडे ने भाजपा ने अपनी सरकार वालों सेंटर सरकार वालों कारण फिर उ कि इन दोवें धिर ने बल्कि तिने धिर ने डटमा विरोध अपना इन चार साढ़े चार साल बीजेपी के प्रति दर्ज करवाया है जी। यही कारण है और ये दरम्यान एक चीज़ होर भी आ रामविलास पासवान होर ने भी बकायदा इस मानसून इजलास तो पहला ऐलान कर दिता सी जे मोदी सरकार ने इस दौरान जिहड़ा एस सी एस टी एट्रियोसिटी एक्ट है जिहड़ा उहदे विच तरमीम वाला बिल ना लिया तो फिर वो संघर्ष छेड़ देंगे उन्होंने भी बंद का सद्दा दे दिता सीगा 9 अगस्त नूं ते फिर उस तो बाद उन्होंने भरोसा दिता गया तो हुण जिहड़ा ये बिल आ गया तो उस चीज़ नूं भी हुण वापस ले लिया गया। ये भी एक तरीके का अपना प्रभाव बिहार के बनाने की कोशिश NDA की कही जा सकती है कि पहला अपनी ही पार्टी के वलों विरोधी सुर चुकाई जाए तो फिर वो उत्ते फुल चाड़ दिए जाण ताकि उस धिर की जिहड़ी आ थोड़ी जी प्रभाव बन जाए अपने सूबे दे विच ताकि लोग कहन लै भाई साडी इस पार्टी ने सुनवाई जिहड़ी आ उह करवाई है। पर एक चीज़ ये भी बनती है कि इन बिलों के आने के नाल कानून बनने के नाल ही राकेश नाथ जी सारा कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि कानून तो पहला भी है सके सब कुछ हो रहा है या फिर ये होर बहुत कुछ करने की जरूरत है सरकारी पद्धर के उत्ते भी समाजिक पद्धर के उत्ते भी आर्थिक पद्धर के उत्ते भी क्योंकि कुल मिला के देखा जाए राखवेंकरण को लेकर नौकरियों की गल जाके टिक जाती है समाज के हो रहा है वो तो किनारे हो जाते हैं अक्सर चर्चावान तो नितिन गडकरी होर ने जिहड़ा मराठा राखवांकरण की गल चल रही थी उसमें कहा सीगा राखवां रखने का की फायदा है नौकरियां तो सरकार को है नहीं सारी गल घूम घुमा के नौकरियों से जाके खत्म हो जाती है जो समाज के पाड़े ने उन्होंने बारे किसी का ध्यान नहीं जाता। और जसवीर जो भी कि राखवें गल करती है तो फिर आर्थिक आधार ता ही लै आते हैं जबकि समाजिक आधार की कोई गल ही नहीं करता। हुण जसवीर असल से गल इदा आ भाई भारत में जो निर्भया केस हुंदा आ दिल्ली कानून सख्त कर देंगे फिर कानून बन जाता भी 12 साल तो छोटी बच्ची जे कुछ गलत हुंदा है तो उन्होंने फांसी की सज़ा दे देंगे कानून बन भी गए ने वख वख स्टेटां च पास भी हो गए ने पर असीं देख रहे हैं वो अंकड़ा थले नहीं जा रहा होर अगे वध रहा इहदा मतलब ये आ भी कानून जिहड़ा आ इक ते साडी समस्या ये आ भी कानून अपना काम सही तरीके नाल नहीं करता पिया क्यों नहीं कर रहा
क्योंकि जिन्ना एजेंसिया ने जिन्ना मनुखा जिन्ना बंदियां दे हाथ जिन्ना ऑफिशियल दे हाथ जिन्ना संस्थावां दे हाथ दे विच कानून ने लागू करना आ वह उन्ने सुहिरद नहीं है वह उन्ने ईमानदार नहीं है। और तीसरी गल जसवीर संविधान कहता है भी इक्वैलिटी बिफोर लॉ जी, पर इक्वैलिटी बिफोर लॉ जी असल दे विच सही भावना में नहीं आ रही तो इन्ना कानून जिहड़े कानून ने उहदा कोई असर नहीं हुंदा। 47 च आज़ाद हुंदे आ, 50 दे विच संविधान लागू हो जाता है, उहदे विच ही समाजवाद की गल आउंदी आ, उह च सैकुलरिज्म की गल आउंदी आ, उह च इक्वैलिटी बिफोर लॉ की गल आउंदी आ, उह च फ्रीडम की गल आउंदी आ, उह च सारा कुछ आउंदा है। और अज 70 साल बाद भी समाजिक तौर पर असी उत्थे ही खड़े हाँ जिथे पहले सी जी, उत्थे दे उत्थे ही खड़े हाँ। जे ना खड़े जे असी तरक्की कर गए होंदे जसवीर समाजिक पद्धर के उपर, मनुख सारे बराबर हो गए होंदे, तां ना तो एससी कमीशन की लोड़ पैनी सी, ना बैकवर्ड कमीशन की लोड़ पैनी सी। उल्टा अज दे समें च सानू बैकवर्ड कमीशन भी संविधानिक जिहड़ा आ रूप देना पै रहा, चाहे दे पिछे पोलिटिकल आ जसवीर, पर समाजिक पद्धर ते भी कुछ है आ जिहड़ा ये सब कुछ जिहड़ा आपां नूं इत्थां कुछ करना पै रहा जी। हुण जसवीर कमीशन बना लिया इन्हां ने, संविधानक भी कर लिया, पर गल इदां आ हुण असीं जे 14 तो लैके हुण तक बीजेपी दे जिहड़ा शासन आ उहनूं देखदे आ तां इह बीजेपी दी हुण मजबूरी आ। क्यों मजबूरी है? वड्डे पद्धर दे उप्पर जिहड़े दलित्स ने उह इन्हां तों किनारा कर गए ने, उह गिनती दे दलित्स ने जिहड़े इन्हां दे नाल ने जिन्हां नूं माड़ा मोटा किते इन्हां तों कोई फायदा होया आ, बाकी इन्हां तों किनारा कर चुके ने। जिहड़ी माइनोरिटीज़ आ जसवीर, खास करके जे मैं असीं पंजाब 'च रहिंदे सिखां दी गल कर लईए तां सिख माइनोरिटी नूं भी इन्हां ने बड़े तरीके नाल हिट किया, चाहे उन्हां दे इतिहास नूं डिस्टोर्ट किया आ, चाहे इन्हां नूं टैररिज्म दे नाल जोड़ दिता जांदा आ, और पिछले समें दे विच सेंटर ने इदां किया आ। और मुस्लिम दा जो बुरा हाल इन्हां पिछले समें 'च हुंदा आ, आपां नॉर्थ ईस्ट नूं देख लैंदे आ, आपां भारत दे पूरे इधर ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਗਈ ਆ ਬਈ ਜੇ 19 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜੋਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਬਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਸਵੀਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਕੌਣ, ਜਿਸ ਕਾ ਰਾਜ ਉਸ ਕਾ ਪੂਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਲੈਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇਖੀਏ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੈਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਫੈਸਲੇ, ਤਾਂ 9 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੋਪ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਲੋਪ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ,